नमस्कार दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम लोग प्रकृति का प्राकृतिक चिकित्सा में क्या महत्व है उस विषय पर एक आयोजन रखे हुए हैं, जिसमें व्याख्यान होंगे प्राकृतिक चिकित्सकों के। प्राकृतिक चिकित्सक ये बताएंगे कि ये जो प्रकृति है, जो हवा है, पानी है, मिट्टी है, इसके द्वारा कैसे प्राकृतिक चिकित्सा की जाती है और कैसे लोग प्रकृति के सहयोग से ठीक होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमको जो वृक्ष हम लगाते हैं उसका केवल थोड़े समय ही ध्यान रखना होता है। यदि 2 साल 3 साल हमने हमारे वृक्षों का ध्यान रखा, बच्चों की तरह वृक्ष जब हम लगाते हैं तो वो छोटे पौधे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और हमने अगर उनका बच्चों की तरह ध्यान रखा 2-3 साल तक, तो वो जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े हो जाने के बाद वही वृक्ष हमारा ध्यान रखते हैं माँ की तरह। वो वृक्ष हमारे गार्जियन बन जाते हैं, अपने बच्चों के जैसे हमारा ध्यान रखते हैं। वृक्ष हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष हमें फल देता है, वृक्ष हमारी हवा को शुद्ध बनाता है, हमारी ऑक्सीजन, अभी हमने देखा है कि कोविड में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे हैं, तो वृक्ष हमें ऑक्सीजन भी देता है। और क्या करता है वृक्ष? वृक्ष हमारी मिट्टी को शुद्ध बनाता है। जो बच्चे मिट्टी में खेल करके बड़े होते हैं उनकी जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो वृक्ष हमारे मिट्टी का शोधन करते हैं, वृक्ष हमारे हवा को शुद्ध बनाते हैं, वृक्ष हमें फल देते हैं, और वृक्ष हम जो वृक्ष लगा रहे हैं वो औषधीय पौधों का रोपण करेंगे, उससे हमारा रक्त बढ़ता है। अनार खाएंगे तो रक्त बढ़ेगा, आंवला खाएंगे तो उससे हमारे शरीर में विटामिन सी बढ़ेगा, जामुन खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। इस तरह से जो औषधीय पौधे हैं उसका हम रोपण करने जा रहे हैं। तो आप सभी सादर आमंत्रित हैं, दिनांक 5 जून को सुबह 10 बजे ग्रेटर बजेश्वरी स्थित ग्रेटर बजेश्वरी पिपलियाहाना स्कीम नंबर 140 के ठीक सामने हमारा जो सेंटर है एडवांस्ड योग एंड नेचुरोपैथी हॉस्पिटल, वहां पर हम लोग प्लांटेशन, वृक्षारोपण, औषधीय पौधों का वृक्षारोपण और साथ में प्रकृति का प्राकृतिक चिकित्सा में महत्व विषय पर एक व्याख्यान रखे हुए हैं। तो आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं, दिनांक 5 तारीख दिन रविवार सुबह 10 बजे, प्लीज डू कम, मोस्ट वेलकम, अवश्य पधारें।